सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग सो गाइज आज मैं शिफ्ट हो चुका हूँ हॉस्टल में ठीक है और हॉस्टल में साथ में ही कॉलेज भी है तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरा कॉलेज कॉलेज टूर देता हूँ आपको ठीक है अभी तो शाम का समय है तो कोई बच्चे नहीं दिखेंगे तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ क्योंकि थोड़ा अजीब भी लगता है कि सबके सामने ब्लॉग बनाना मेरे को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं बना भी नहीं पाता हूँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि फटाफट मेरा हॉस्टल कैसा है क्योंकि अभी थोड़ा धूप है लाइट भी है दिखेगा अच्छा सो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना कॉलेज गाइस ये चेक कर सकते हैं माझी चौक का सेक्टर एक का मेन रोड है और ये है मेरा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर वन पंचकुला और ये है मेन गेट मेन गेट से अंदर चलते हैं पानी फिल्टर का पीने के लिए और इधर है पार्किंग इधर बच्चे अपने बाइक्स खड़े करते हैं और ये है मेरा कॉलेज चलिए अंदर ले चलते हैं आपको ये। एक शॉप है जिधर सारी बुकें मिलती बेंच रखा हुआ है बैठने के लिए बच्चों के लिए और इधर ये अपना ऑडिटोरियम है अभी मैं अभी आपको सामने से दिखाता हूँ ये ऑडिटोरियम के बगल में इंक्यूबेटर ये स्टार्टअप इंक्यूबेटर है जिनको नए नए आइडियाज आते हैं वो अपना इधर स्टार्टअप करने के लिए आ जाते हैं ये पार्किंग इस साइड में उधर उधर बोर्ड लगा है स्टाफ पार्किंग का उस साइड में स्टाफ पार्किंग है तो उधर बंदे अपना उस में। उस साइड साइड में में स्टाफ पार्किंग और इस साइड में हॉस्टल है और इधर ये है कैंटीन सामने ये जो दिख रहा है और इसके पीछे भी मैं दिखाता हूँ आपको आगे से और ये एक छोटा सा पार्क बना रखा है गाइस ठीक है पार्क क्या वैसे डेकोरेट कर रखा है इसमें एक बेंच डाल रखी है और दो तीन बेंच पत्थर के बने हुए हैं तो इस साइड में रखे हुए हैं। मैं बेंच रखे हुए हैं बहुत सारे बैठने के लिए ये देखो गाइस इधर भी एक कैंटीन बना है और ये भी है अपन एक कैंटीन और इसके पीछे कैंटीन के पीछे आईटी ब्लॉक वो मैं वो जो तो दिख रहा है ना वो वो जी दिख रहा है वो है आईटी ब्लॉक और ये है कैंटीन ठीक है गाई? तो अभी उधर चलेंगे कैंटीन की तरफ तब मैं आपको तो आगे दिखाता प्ले ग्राउंड भी दिखा देता हूँ और लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ अपना ये देखिए इधर बोर्ड लगा कॉमर्स ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और मेन लाइब्रेरी ये मेन लाइब्रेरी देखो मेन लाइब्रेरी ठीक है खेल परिसर इधर है मेन लाइब्रेरी इधर है खेल परिसर ये देखो ये खेल परिसर उधर बच्चे खेल रहे हैं और ये ग्राउंड है अभी इधर ग्राउंड में बहुत सारे घास गए हैं तो अभी घास कटाई ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम कहाँ पर है तो ये देखो ये अपना ऑडिटोरियम फ्रंट से दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के ये देखो गाइस ये धूप निकल रखा है और इधर बच्चे खेलते हैं खेल परिसर इधर ये अपना ऑडिटोरियम गाइस देख लो बहुत हैवी है अभी तो बंद हो रखा है क्योंकि अभी तो शाम को मैं हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए मैं ऑडिटोरियम दिखा पा रहा हूँ आपको तो ये देख लो और ये देखो गाइस कितने अच्छे अच्छे फूल खेल रखे हैं ये दिख रहा है वो ये हमारे कॉलेज की खासियत है पूरी हरियाली कर रखे कॉलेज में देखो भाई जहां तक दिख रहा है सब ये फुल फुल व्हाइट फुल खिल रखे हैं चेक कर लो जी है हमारे कॉलेज का है क्या क्या हमारे कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी है कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सब बता रखा है इसमें ये देखो इधर लगा रखा और ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे पौधे रखे ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी बहुत है इधर पूरे हरियाणा चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत है भाई और ये देखो मोर गाइस मोर दिखाता हूँ मैं आपको कहा वो देखो मोर वो रुको 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 झूम करता हूँ देखो ये देखो पीकॉक देखो गाइस इसने मुझे देख लिया इसलिए भाग गई ये देखो गाइस पीकॉक ओह माय गॉड गाइस मुझे तो पीकॉक दिख गया यार वो भी मेरे कॉलेज में देखो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पीकॉक दिख गया गाइस ये देखो गाइस ये है आर्ट्स ब्लॉक ठीक है इधर आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ कॉमर्स ब्लॉक सर कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स ब्लॉक मतलब जो कॉमर्स स्ट्रीम्स है बी वाले उनका पीकॉक का पीछा कर रहा हूँ वो पीकॉक आगे गई है तो मैं अभी देख रहा हूँ कि वो कहाँ गई है पीकॉक तो मैं फटाफट उसको देखता हूँ और अगर आप दिखेगी मुझे तो आपको भी दिखाऊंगा जरूर लगता है गाय उड़ गई अभी इधर ही थी गई लगता है उड़ गई देखते हैं आगे चलते हैं ये देखो जिम बैक साइड ऑफ कॉलेज है इधर ही आइए जमूर पता नहीं किधर चली गई वो देखो गाइस वो देखो पिकॉक भागी वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो पिकॉक देख लो गाइस भग गई देखकर मुझे ये चलते है देखते हैं दिखती है कि नहीं पिकॉक तो ये देखो पिकॉक पिकॉक आप सब देख सकते हो और वो मुझे देख कर ही भाग रही है अब देखो देख ली तो मेरे पेड़ पर दीवार पर चढ़ गई अब भाग गई अब उसको भगाना अच्छा नहीं होगा गाइस इसलिए हम चलते हैं उसको भगाना अच्छा नहीं होगा इसलिए हम चलते हैं तो अभी मैं आपको कॉमर्स ब्लॉक और आर्ट्स ब्लॉक दिखा रहा था अब मैं दूसरी साइड में आ चुका हूँ तो अब मैं दिखाता हूँ आपको साइंस ब्लॉक सो गाइज ये आर्ट्स ब्लॉक का बैक साइड उस साइड से फ्रंट था इस साइड से बैक है तो गाइज वो बैक साइड था ये फ्रंट साइड है और मेरे पीछे है साइंस ब्लॉक साइंस ब्लॉक में आपको दिखाता हूँ गाइस ये है साइंस ब्लॉक साइंस ब्लॉक तो अभी बंद है मतलब अभी तो कॉलेज ही पूरा बंद है तो इसलिए सारा कुछ बंद है तो हम चलते हैं से उधर अपनी साइड और ये देखो ग्रीनरी भाई ग्रीनरी तुमको हरियाणा और चंडीगढ़ में भर भर चंडीगढ़ में तुमको ग्रीनरी इतनी मिलेगी कि तुम कहोगे कि पूरा जंगल ही बस चुका है इधर गाइज़ इधर इतना फ्रेश हवा है ना जितना दिल्ली हरियाणा जितना दिल्ली यूपी उतनी हरियाली नहीं मिलेगी जितनी हरियाली इधर चंडीगढ़ और हरियाणा में मिल जाएगी आपको खेत खलियान भी हैं बहुत सारे अभी आपको पूरी कॉलेज की टूर दे दिया है सब कुछ दिखा दिया है और अभी तो कुछ रह नहीं किया मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको मोर भी दिखा दिया हमारे कॉलेज में मोर भी आते हैं ग्रीनरी भी दिखा दी भर भर के चारों तरफ तो तुम देख सकते हो पेड़ कल्याण बने हुए हैं ठीक है अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो ले सकता है इतना भी बुरा नहीं है बट बहुत अच्छा है ठीक है जितनी इसकी फीस है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये बजट लोगों के लिए तो एकदम परफेक्ट है और मस्त है भाई बाकी सब मस्त है हाँ गई आपको मैं हॉस्टल दिखाना भूल गया था तो ये लेके

छत पे से कितना बढ़िया नजारा है, है गाइस दिख रहा है उस साइड में पूल है पुल मतलब जैसे कि ब्रिज और ये देखो अभी मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ और नीचे का भी सीन दिखाऊंगा नीचे कुछ लोग बैठे थे एक टीचे हमारा वार्डन भी बैठा था इसलिए मैं नीचे वो वीडियो नहीं बना पाया तो मैं दिखाता हूँ आपको अपना रूम सो तो गाइस ये है मेरा गेट मेरे रूम का गेट तो फटाफट पहले इसका लॉक खोलता हूँ मैं फिर दिखाता हूँ आपको अंदर का नजारा ये लॉक खोल दिया मैंने गाइज ये देखो ये स्टडी स्टडी करने के लिए डबल चेयर क्योंकि डबल बेड कर डबल लड़, डबल बच्चे मतलब डबल लड़के दे सकते हैं ऊपर लाइट है और ऊपर पंखे भी हैं हैं इस साइड में खिड़की विंडोज है, और इस में भी एक है। मेरा अल, अलमारी है इधर भी अलमारी दे रखा है पहले स्विच ऑन करता हूँ भाई हाँ तो मैं दिखा रहा हूँ भाई ये देखो ऊपर पंखे वो ट्यूबलाइट लगी हुई है और इस साइड में तीन ऊपर अलमारी दे रखे दो नीचे अलमारी दे रखा है और इस साइड में भी एक अलमारी जिसमें मेरे कपड़े हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको खोल के एक मिनट तो गाइज ये देखो नीचे मेरा बैग रखा हुआ उसके नीचे ट्रॉली बैग रखा हुआ है मेरा और मैं अभी इस गेट को बंद करता हूँ पहले तो फटाफट गेट को बंद कर लिया और ये देखो गाइस ये देखो, देखो इधर से मैं बाहर के नजारे देख सकता हूँ और ये बगल में खिड़की भी है जिससे मैं ओपन करके एकदम हाई फाई कर सकता हूँ और ये है मेरा बेड और उस साइड में भी एक बेड है तो वो खाली है नीचे का जो बीच बना हुआ है हमारे हॉस्टल के बीच में अभी मैंने पूरा हॉस्टल टूर पूरा कॉलेज टूर दे दिया है सो गाइस ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइज और देखते हो ब्लॉग को तो लाइक कर दो और नहीं देखते हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। दोगाश मिलते किसी नए ब्लॉग में सब तक ले धन्यवाद